नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए जून 2024 के मंथली प्रिडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मई से 14 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 14 जून के बाद ये मिथुन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 31 मई से 13 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 13 जून के बाद ये मिथुन राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि शुरू के 5 जून 2024 तक ये अस्त रहेंगे, उसके बाद ये यहीं पर उदित हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 19 मई से 11 जून 2024 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 11 जून के बाद ये मिथुन राशि में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के ऊपर सबसे पहले तो मंगल ग्रह की ही एस्पेक्ट है, ये बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। इसके साथ साथ राहु ग्रह की एस्पेक्ट मिलती है यहाँ पर और देवगुरु बृहस्पति शुक्र बुध सूर्य इन सब ग्रहों का प्रभाव और साथ में शनि ग्रह की एस्पेक्ट मिलना, सभी ग्रहों का प्रभाव इस महीने आपको लगन के ऊपर मिलने वाला है। तो देखिए इस समय में आपको सभी ग्रहों से मिलने वाले शुभ फल यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा वो ये रहेगा कि आप इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़बरदस्त निखार आने वाला है, दिखने में काफ़ी सुंदर आप दिखाई देंगे, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज़, हेल्थ वेल्थ स्पिरिचुअल ये सारी चीज़ें इस समय में आपके पास होना, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा, आपका नेम फेम इस समय में बढ़ेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपके रंग रूप आपके सौंदर्य में भी निखार लाने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको नेम फेम दिलाने का कार्य करेगा, कुछ धार्मिक रहेंगे और एन्जॉयमेंट भी करेंगे, पार्टी इत्यादि भी करेंगे, टेक्निकल चीज़ों का भी लाभ आपको मिलेगा और कमीशन बेसिस अगर कुछ कार्य करते हैं तो उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ प्लानिंग अगर बनाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चल रहा है कि आप काफ़ी समय से अपने भविष्य को लेकर के कोई प्लानिंग बनाना चाहते हैं तो वो प्लानिंग बनाने का समय इस महीने को आप बहुत बेहतर मानेंगे। इस समय में जो प्लानिंग आप करेंगे वो काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर जब यहाँ पर ये तीन प्लेनेट जिसमें कि शुक्र बुध और सूर्य 14 तारीख के बाद ये सब यहीं पर ही आ जाएंगे तो इनका एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए इन प्लेनेट का एस्पेक्ट जाना ये बताता है इस समय में आपको, अगर आपके पार्टनरशिप है, पार्टनर आपने रखे हैं तो पार्टनर से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं 14 तारीख से पहले कर ली जाए बेहतर रहेगी, 14 तारीख के बाद पार्टनरशिप करने के लिए रुकना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में अगर कुछ आप ऐड वगैरह करना चाहते हैं 14 तारीख तक कर दिया जाए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको अच्छी वाणी का सुख, अच्छे धन का सुख देने वाली रहेगी। इस समय में पार्टनर से अगर आप कोई एडवाइस, पूरा महीना अगर अपने पार्टनर से अपने स्पाउस से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में अगर आप उनसे कोई लोन इत्यादि भी लेना चाहेंगे या धन अपने व्यापार में लगवाना चाहेंगे तो वो बिल्कुल लगाएंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है। देखिए ये जो समय रहेगा इस समय में, सॉरी, केतु ग्रह की एस्पेक्ट आ रही है। इस समय में आपको यात्राएं करने से लाभ होगा परंतु यात्राएं कन्फ्यूजन देने वाली होंगी। यात्रा के लिए पहले एक प्लान बना के चलिएगा,
जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आप उसका एक प्लान मैप बना करके चलिएगा कि पहले किस क्लाइंट के पास जाना है, किस दिन में किस क्लाइंट को अप्रोच करना है। इस तरीके से अगर प्लान बना के चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। अदरवाइज होगा क्या, अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे और प्लान को फॉलो नहीं करेंगे तो होगा ये कि आपको कभी किस क्लाइंट के पास जाना, कभी किस क्लाइंट के पास जाना, एक अनसिस्टमेटिक तरीके से आप भाग दौड़ कर करके परेशान आ जाएंगे। तो आपको पहले एक प्लान बना लेना चाहिए कि आज मैं ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ या वेस्ट या साउथ किसी एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वहाँ पर किन किन क्लाइंट से मुझे मिलना है। अगर बीच में किसी क्लाइंट का कॉल आ जाता है या कोई क्लाइंट कहता है कि आप ईस्ट से वेस्ट में आ जाइए तो उन्हें आप नेक्स्ट डे का टाइम दीजिए और वहाँ पर एक फिर से प्लान बनाइए कि इनके पास तो जाना ही है, इनके साथ साथ और भी जो हमारे वहाँ क्लाइंट हैं उनसे हम आज मीटिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे, कुछ ऑर्डर कुछ धन लेने का प्रयास करेंगे, लाभदायी रहेगा। प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य करने से लाभ होगा। नौकर चाकर का भी सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे, अगर नौकर चाकर हैं आपके पास तो उनका सुख मिलना। इसके साथ साथ ये समय अवधि छोटी छोटी दूरी की यात्रा करने से धन लाभ दिलाने वाली रहेगी। इस समय में पड़ोसियों और सिबलिंग्स के माध्यम से भी आप कुछ लाभ प्राप्त करेंगे, कुछ एडवाइस उनसे मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो राइटिंग के कार्य में भी आप कभी कुछ लेख लिखेंगे, कभी कुछ लेख लिखेंगे, ऐसी यहाँ पर सिचुएशन बनी रहेगी। तो पहले आप सोच लीजिए किस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है, फिर उसी टॉपिक के ऊपर आप क्रमवाइज लिखते जाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में शनि ग्रह का गोचर, जो कि अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आती है। तो देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। यहाँ पर आपका शश पंच महापुरुष योग बना है जो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट इस महीने में देने वाला रहेगा और इसमें आपको मान सम्मान मिलना, घर परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना, डिले होगा परंतु वृद्धि अवश्य होगा, लाभ अवश्य होगा, डिले होकर के होगा क्योंकि शनिग्रह है, शनिग्रह चीज़ों को थोड़ा डिले करके देते हैं परंतु देते अवश्य हैं। इसके साथ साथ अगर आप घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं तो घर का रेनोवेशन कर सकते हैं। ये समय घर का रेनोवेशन करना, व्हीकल का रेनोवेशन कराना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में बेहतर रहेगी, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आता हुआ दिखाई नहीं देता है, परंतु अगर उनकी कोई डिजीज़ है और उसका रूटीन चेकअप इत्यादि चलता है तो आप समय पर कराते रहे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय पूरे परिवार के साथ एक टूर ट्रैवल का आनंद लेने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में राहु ग्रह का गोचर, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके सेवंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, इस समय में उन्हें थोड़ा सा प्रयास करने से उनकी एजुकेशन में सफलता मिलती दिखाई देगी। उनके मित्र उन्हें इस समय में सपोर्ट करेंगे, सही बात उन्हें बता पाएंगे कि किस रास्ते को अपनाने से, कौन से सब्जेक्ट को लेने से आप क्या बन पाएंगे, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप फौरन जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से तो आपको जाने के अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देगी जिसका आप लाभ उठाएँ और फौरन जाकर के अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएँ, ऐसा योग यहाँ मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि क्रिएशन से रिलेटेड अगर कुछ कार्य आप करते हैं या संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो उन कार्यों के लिए भी बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि सिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं और सिक्स हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में सबसे पहले तो आपके अगर कोई एनिमी है वो अपने आप ही आपके रास्ते से हट जाएंगे, वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने मैटरनल अंकल या आंटी से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं वो इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है, उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि आपको गुड़ विज्ञान जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट जागृत करेगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको स्वयं से कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर ठीक होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो मैं उसके लिए कहूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ कर लें। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर धन की आवश्यकता है तो सोच समझ करके लेंगे बैंक इत्यादि से तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज वो जो लोन आप ले लेंगे प्रॉपर्टी या व्हीकल के लिए वो काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपको पे करना पड़े, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। एक काम आप कर सकते हैं कि आप अगर धन की आवश्यकता आपको है तो आप धन अपने मैटरनल अंकल या आंटी से ले सकते हैं, उनसे अरेंज कर लें तो वो आप आसानी से पे कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत यहाँ होती दिखाई नहीं देती है। आगे बात करेंगे आपके
सेवेंथ हाउस के विषय में, सेवेंथ हाउस में देव बृहस्पति का गोचर, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि सेवेंथ हाउस में गोचर करेंगे, बुध और सूर्य ग्रह यहाँ पर रहने वाले हैं और साथ साथ केतु ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ बनी हुई है। इस समय में देखिए जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है 5 जून के बाद, उनके लिए रिश्ते आना और रिश्तों का सेलेक्ट हो पाना यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छे रिश्ते आने के योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय अवधि जिनका पहले से विवाह हुआ है वे अपने स्पाउस के साथ यात्राओं का सुख प्राप्त करें, कुछ एडवेंचर इत्यादि का सुख प्राप्त करें। इसके साथ साथ सरकार से भी कुछ हेल्प आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। कार्य व्यवसाय जॉब व्यापार इत्यादि के लिए आप लाभ उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 14 जून से पहले पहले पार्टनरशिप कर ली जाए बेहतर रहेगा। और पार्टनर से कुछ लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 14 जून से पहले पहले का समय बेहतर है। उससे पहले आप कार्य को पूर्ण कर लें तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। व्यापार जगत में 14 जून से पहले आपको नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य और शुक्र ग्रह आ जाएंगे और 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आती है। देखिए ये जो समय रहेगा इस समय में अगर आप अपने स्पाउस से या स्पाउस के परिवार वालों से या अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई चल संपत्ति रिलेटेड आपका कार्य पेंडिंग है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होना है जिसमें सरकार की मध्यस्थता रहे, उस कार्य को करने से लाभ होता दिखाई देता है। कार्य आपके फेवर में पूर्ण होते दिखाई देते हैं। जो किसान भाई हैं इस समय में खेती का अच्छा रिजल्ट उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है, फसल का अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। खेती से कुछ नई चीज़ों का लाभ उन्हें होना, जमीन का एक्सपेंशन होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ सरकार से अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय जो रहेगा इस समय में आपको, अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो आप काफ़ी उन्नति प्राप्त करेंगे। परंतु एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आप कार्य करें उसे डॉक्यूमेंटेशन रिटिन में अवश्य ले लें या रिटिन में अपने पास सेव करके रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है इस समय में आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अवश्य। अगर आप हायर एजुकेशन के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर ग्रीन कार्ड आप लेना चाहते हैं तो ग्रीन कार्ड के लिए भी अवस्था यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। ये समय अवधि आपको अचानक से एक लंबी दूरी की यात्रा का सुख देती हुई दिखाई देती है। कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और कुछ फॉरेन लैंड से रिलेटेड या अधिक दूरी की यात्रा करने का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा 14 जून से पहले आपके कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे, परंतु उसके बाद कार्यों में अटकल होना, दिक्कत आना यहाँ पर दिखाई देता है। यात्रा के लिए अगर वीजा पीआर के लिए करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय बना है इस समय में कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क की अधिकता रहेगी और अगर आपका GST इत्यादि से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसे आप 14 तारीख के बाद पूर्ण कर पाएंगे, वो करना ही पड़ेगा, उसमें परेशानी आ सकती है। तो अगर कोशिश करें 14 जून से पहले ही उसे निपटा दिया जाए तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं हो पाता तो 14 जून के बाद आप सरकार से रिलेटेड कार्यों में उलझ सकते हैं, उन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि जो है इस समय में आप अपने अगर भूमि या व्यापार या ऑफिस या का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो 14 जून से पहले कर लीजिएगा, उसके बाद करने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता है, फिर बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिखाई नहीं देते तो रुक जाइए। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध हाउस यहाँ पर 11th हाउस में केतु ग्रह का गोचर और 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है इस समय में धन आपके पास आएगा, कुछ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, कुछ पार्टनरशिप के माध्यम से, कुछ स्पाउस के माध्यम से, कुछ कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से, कुछ अगर वार्षिक की संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो वहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। परंतु ये समय जो है आप जब भी धन को सेविंग करें उसमें कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि किस चीज़ में धन का निवेश किया जाए। कोई भी आप RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी इस समय में लेते हैं या शेयर मार्केट में अपने धन को लगाते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे प्रकार से आप पहले पढ़ लें,
पढ़कर समझ करके आप कार्य करेंगे तो निवेश करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज यहाँ पर संभावना ये बनती है कि आप अगर कुछ बिना पढ़े डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, धन निवेश होने के बजाय वो फंस सकता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि धन को धन आपके पास आएगा उसे मित्रों के साथ भी खर्च करेंगे। हो सकता है कोई मित्र किसी परेशानी में हो, वो आपसे धन की डिमांड कर ले, या चाचा जी ताया जी वर्ग के लोग आपसे कुछ धन लेना चाहे उनकी हेल्प करने के लिए, तो आप अगर देंगे तो वही समझ करके दें कि वो वापस नहीं आएगा, ऐसा आप सोच करके देंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ परंतु एक अच्छी बात ये दिखाई देती है कि सभी चीज़ों के बाद थोड़ा बहुत धन आप संचय कर ही लेंगे जो आपके आने वाले समय में काम आता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और बस मंगल ग्रह का एस्पेक्ट मिलता है यहाँ पर। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से इस समय में आपका जो धन है वो यात्राओं के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, फॉरेन ट्रैवल के लिए योग बनते हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी परचेज करने का योग बनता दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, वहाँ पर अपना घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए योग बेहतर बनते हुए दिखाई देते हैं, और अगर अपने ही कंट्री में अधिक दूरी पर रहते हैं अपने नेटिव प्लेस से तो वहाँ पर भी प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। परंतु अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उसमें धन दे करके आप उस मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 11 जून के, वैसे तो ये पूरा ही महीना है, पूरे महीने ही आप मान के चले अगर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आती है। देखिए अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, जब आए तो उसे कैच कर लेना चाहिए, और कैच करके अपने मैटर को शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आने वाला जीवन बहुत ही खुशहाल और सुखद रहेगा। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय में आपको कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस समय में दान पुण्य के लिए आपको विशेष तौर से बूंदी का प्रसाद या बेसन से बनी वस्तुएं मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को भोग लगा करके अगर दान करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूं। एक दो जून का समय जो रहेगा ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। संतान को कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि क्रिएशन से रिलेटेड जो कार्य करते हैं उनके लिए अच्छे टेंडर इत्यादि मिलने की संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। तीन और चार जून का समय थोड़ा सा अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल है। कोई लीगल मैटर है उसके लिए केयरफुल रहा जाए। कोई लोन इत्यादि लेना है तो लोन बहुत सोच समझ करके लिए। एनिमी इस समय में आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने बताया अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य चल रहा है पेंडिंग तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी इस डेट में आ सकती है। इस डेट में उसे आप शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा, शॉर्ट आउट होता हुआ दिखता है। इसके बाद पाँच और छः जून का समय जो रहेगा ये हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा दिखाई देता है। इस समय में व्यक्ति लव रिलेशन का भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग यहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा इस समय में जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है उन्हें अच्छे विवाह के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें अच्छे जीवन साथी का सुख या जीवन संगनी का सुख यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ एक शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 7 और 8 जून का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, थोड़ा सा दुविधा भरा समय, परेशानी देने वाला समय, भाग दौड़ अधिक कराने वाला समय, ऐसा समय दिखाई देता है। परंतु कार्य आपके पूर्ण होंगे, प्रयास तो करना पड़ता है, अधिक प्रयास करने के बाद कार्य पूर्ण होते हैं, तो ये इस प्रकार का समय रहने वाला है। इसका ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त आपको अवश्य होगा। इसके बाद 9 और 10 जून का समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इस दिन आप वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करें, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें, कोई यात्रा करें, लंबी दूरी की यात्रा करें, फॉरेन जाना है उसका टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं तो लाभदायी रहेगा। धर्म कर्म का लाभ इस समय मिलता दिखाई देगा। 11, 12, 13 जून का समय जो रहेगा ये समय जो जॉबलेस हैं उन्हें जॉब की प्राप्ति कराता हुआ दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय में कुछ नया करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को इस समय में पूर्ण करने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। 14, 15, 16 जून का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन आपके पास आना और धन को सेव करने का प्रयास करना, जो चीज़ें मैंने पहले बताई उन चीज़ों का ध्यान रख के करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय मित्रों के साथ आनंद भी प्रदान कराने वाला रहेगा, पार्टी इत्यादि का सुख भी आपको देने वाला रहेगा। नेम फेम आपको इस समय प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 17, 18 जून का समय जो रहेगा ये आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन खर्चा होना है। अब खर्चा कई प्रकार से हो सकता है, अच्छे के लिए भी हो सकता है,
देखिए, एक तो वेस्ट होता है, एक इन्वेस्ट होता है। वेस्ट अगर होता है तो किस तरीके से, किसी को दे दिया पैसा वापस नहीं आया, किसी लड़ाई झगड़े में पैसा खर्च हो गया, वो वेस्ट हो गया। परंतु अगर इन्वेस्ट होता है, मान लीजिए आपने फॉरेन जाने के लिए टिकट बुक कर लिया, डोनेशन कर दिया, वो इन्वेस्ट है, वो हमें किसी न किसी रूप में, प्रतिरूप में वापस मिलता है। तो अगर आप अपने धन को इस समय में अगर इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन जाने के पर्पज़ से या डोनेशन इत्यादि के कार्यों पर, तो अधिक बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। 19-20 जून का समय, देखिए 19-20, 21-22, 23-24 जून का समय, ये जो समय रहेगा इस समय में, देखिए 19-20 जून का जो समय है, ये समय जो पूरा मैंने समय बताया, इसमें से 21-22 जून का समय, ये समय अगर आप किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं आप, क्योंकि काफ़ी खुश रहेंगे, धन धन का आपके पास आवागमन होगा, धार्मिक भी रहेंगे, एन्जॉयमेंट भी रहेगा इस समय में, और आप अपने भविष्य के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपने भविष्य को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित हैं, उसके लिए कुछ योजना बनाने के प्रयास कर रहे हैं, तो योजना इस समय में बना पाएंगे। ये समय योजना बनाने के लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में धन का आवागमन होना, और 21-22 जून का समय अगर आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, लव रिलेशन का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर दिखाई देता है। धन आपके पास होना, इसके साथ साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, इन सब चीज़ों का सुख आपको ये देने वाला रहेगा, और इस समय का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। यात्रा इत्यादि करते समय भी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से अच्छी बातचीत होना, उनसे आप प्रभावित होंगे और आपके कार्य उनके द्वारा पूर्ण कर दिए जाएंगे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। पड़ोसियों और सिबलिंग से रिलेशन इंप्रूव होते दिखाई देते हैं। नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 26-27 जून का समय, देखिए 26-27 जून का जो समय रहेगा, ये समय आप अपने घर परिवार के साथ एक यात्रा कर पाएंगे या उनके साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। माता तुल्य स्त्रियों से अगर कोई हेल्प एडवाइस लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। घर में पेट्स इत्यादि पाले हैं तो उनके साथ आनंद का समय आप व्यतीत करके लाभ प्राप्त करेंगे। घर का रेनोवेशन कराना है, व्हीकल परचेज करना है, व्हीकल का रेनोवेशन कराना है, तो इस डेट का प्रयोग आप कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। 28-29 जून का समय, देखिए 28-29 जून का समय जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है, एजुकेशन प्राप्ति के लिए अच्छा है, और संतान को कंसीव कराने के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, इस दिन आपको टेंडर इत्यादि मिलना, उसका अप्रूवल मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। 30 जून का समय, देखिए 30 जून का जो समय है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा, ये समय थोड़ा सा आपको परेशानी देने वाला रहेगा, भाग दौड़ अधिक रहेगी, हेल्थ का थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखें, लाभ प्राप्त होगा। तो ये था जून 2024 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बनाने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।